सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर खुद कप्तान गिरीश नॉन स्ट्राइक एंड पे नानजी और गेंदबाजी मोर्चे पे पहला गेंद लेने के बाद आते हुए वो उत्सव, ऑल द बेस्ट। पहली गेंद लेग स्टंप के काफी बार प्रेशर में, पहली गेंद के साथ टीम का खाता खोलने में मदद की उत्सव ने। रन संख्या 2, वाइट प्लस 1। अगली गेंद, ओ अच्छी गेंद थी, बैट का एज लगने के बाद पीछे चली गई डिक्लेयर जोन में एक रन के साथ। एलिमिनेटर राउंड यहां पे शुरू हो चुका है जहां पे जीतने वाली टीम को और एक मौका मिलेगा अमची मुंबई के सामने खेलने का, और हारने वाली टीम अलविदा करेगी मावरी प्रीमियर लीग से। रन संख्या हो चुके स्कोर कार्ड के ऊपर कुल मिला के 3। फिर एक बार उत्सव, राउंड विकेट पहले ओवर में, अच्छी गेंद, देखना होगा नो बॉल कॉल की है, अंपायर ने सिग्नल किया नो बॉल, तेज काफी तेज थी लेकिन गलत जगह पे गेंद कर बैठे, नो बॉल। ओ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बार बार गलती हो रही है, बार बार गलती हो रही है। वाइट प्लस 1, 2 रन यहां पे ऐड किए जाएंगे। अनुज हो प्रतीक हो जाके उत्सव से बात करते हुए, जरूरी है ये बात करना, उनको कुछ कुछ समझाना, कुछ टिप्स देना। स्ट्राइक एंड पे अभी आएंगे वो नानजी, रन संख्या हो चुकी है कुल मिला के वो 5, 6 रन, 6 रन ऑन द बोर्ड। उत्सव फिर एक बार तैयार, सामने नानजी, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, सामने खेलने के लिए मजबूर किया, डॉट बॉल, पहली गेंद यहां पे डिफेंसिव स्ट्रोक। राउंड द विकेट फिर एक बार, ओ अच्छी गेंद, फिर एक बार कॉपी बुक स्टाइल एक्शन रीप्ले, वही लाइन वही दिशा और स्ट्रोक भी वही ऑफर किया नानजी ने, डॉट बॉल, कम बैक करते हुए उत्सव। ओ स्लोर वन गेंद है, वहां पे डाइवर्ट हुई गेंद, रनआउट का मौका, अच्छी फील्डिंग, बैकअप देते हुए वहां पे जिगर सावला, पैर से गेंद यहां पे रोक दी विजय पाटिल ने, और उसको अच्छा बैकअप देते हुए रिले फील्डिंग देखने को मिली वो जिगर सावला की। पहले मैच में क्या मैच रहा, प्रेशर हैंडल करने के बाद मुनेश ने जिस तरह से बल्लेबाजी की सचमुच काबिले तारीफ। बैक टू बैक डॉट गेंदे, ऑन साइड में गेंद को प्लेस किया, वहां पर रनआउट का खतरा जरूर था लेकिन गेंद ढूंढते रह गए, ढूंढते रह गए। निर्मल वहां पे और वहां से गेंद चुरा लिया, एक रन के साथ रन से आगे बढ़ी, स्कोर कार्ड के ऊपर रन हो चुके कुल मिला के वो 7 रन, 7 ऑन द बोर्ड। और इस पहले ओवर की आखिरी गेंद लेके फिर एक बार उत्सव, जो कमबैक करना जानते हैं, कमबैक किया उन्होंने काफी सारा एक्स्ट्रा देने के बाद। सामने है गिरीश, ओ अच्छी गेंद, नो बॉल, अंपायर का सिग्नल आता हुआ नो बॉल, ओवर स्टेपिंग, यहां पे पूरी तरह से कम बैक करने की कोशिश जरूर की लेकिन अगर आगे जाके वहां पे गेंद की, वहां पे नो बॉल करार दिया अंपायर ने। रन संख्या 8, नो बॉल, नो बॉल, नो प्लस 1, नो प्लस 1। जैसे ही स्ट्राइक एंड के ऊपर कप्तान आए, गिरीश आए हैं, यहां पे पूरी तरह से प्रेशर में आते हैं उत्सव, और वही दिखाई दिया जब नानजी समूह सामने थे, उनके सामने 3 गेंदे उन्होंने डॉट डाली थी लेकिन गिरीश जैसे स्ट्राइक एंड पे खड़े हैं पूरी तरह से प्रेशर में दिख रहे हैं उत्सव। रन संख्या 10, ओ अच्छी गेंद और ये निकाल गया विकेट, अच्छी गेंदबाजी आती हुई, सेट किया था
बल्लेबाज को पूरी तरह से सेट किया और सेट करने के बाद विकेट निकाला है। इसे कहते हैं सेट करके आउट करना। ड्राइव किया, अच्छी फील्डिंग प्रशांत की वहां पे। फिलहाल अभी ये सब इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखाई देता है, बल्लेबाज को सेट करते हैं, इसके बाद विकेट गेंद जब निकालते हैं तो वहां पे गुमराह करते हैं बल्लेबाजी के लिए। सात्विक जिसने पिछले मैच में क्या तगड़ी बल्लेबाजी की थी अपने टीम के लिए, वो स्ट्राइक एंड पे। ओ ऑन ड्राइव, अच्छा स्ट्रोक, दो रन का विद द कॉन्फिडेंस स्ट्रोक ऑफर किया। रन संख्या कुल मिला के 13 रन, 13 रन ऑन स्कोर कार्ड। सात्विक ऑन स्ट्राइक, ओ देखना होगा, नो बॉल, नो बॉल, और स्टंप्स के पीछे थोड़ी सी गलती उत्सव से हुई, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। दो रन यहां पे काउंट किए जाएंगे, रन संख्या हो चुकी है 15 रन। गेंदबाजी मोर्चे पे दूसरा ओवर लेके रोहित, राजावत रॉयल्स, ड्राइव किया, सामने खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग जिगर सावला की। रोहित फिर एक बार ऑन ड्राइव, फील्डिंग फील्डर वहां पे मौजूद है, रन आउट का खतरा, अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, कम बैक करते हुए निर्मल, इसके पहले गलती जरूर की थी, वो गलती को सुधारा निर्मल ने, अच्छी फील्डिंग। ऑन ड्राइव प्रशांत है, वहां पे गेंद थोड़ी सी डीप निकल गई है, उसी का फायदा उठाया बल्लेबाज, दोनों ने विकेटों में दौड़ लगाई, एक रन पूरा कर लिया, टीम की रन संख्या में वृद्धि होती हुई, रन संख्या हो चुकी है 16-16। दूसरा ओवर प्रगति पथ पे, ओ व्हाट अ फील्डिंग, इसलिए मैंने कहा इट्स द वॉल ऑफ द टीम, ये दीवार है काफी बड़ी, काफी चौड़ी और काफी मजबूत। विजय पाटिल, दो ओवर की समाप्ति, रन संख्या 17। ओ गेंद देखना होगा, वाइड बॉल, वाइड प्लस वन, काफी तेजी के साथ गेंद को किया था, ऑफ स्टंप के बाहर है गेंद, और वाइड प्लस वन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती, स्कोर कार्ड के ऊपर हो चुके वो टोटल 19 रन, 19 ऑन द बोर्ड। ऑफ ड्राइव, खिलाड़ी मौजूद है सामने, डॉट बॉल, स्लोर वन गेंद, अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग वहां पे अनुज की, टैप करके दो रन वहां पे निकालना चाहते थे, 2D का शॉट मारने थे, मारना चाहते थे, लेकिन सही कनेक्शन नहीं हो पाया। एलईडी ऑपरेटर रिपोर्ट कीजिए तुरंत कमेंट्री बॉक्स में। फुल टॉस है, टैप किया और दो रन, दो रन मिलेंगे यहां पे, दो रन। बैट्समैन टीम, बैटिंग टीम ने लिया है रिव्यू का एक्शन, तो लिया उन्होंने सिग्नल तो किया है रिव्यू का, रिव्यू लिया है बैटिंग टीम ने, रिव्यू लिया है अंपायर, ओरिजिनल सिग्नल है, नो नो, यहां पे फेयर डिलीवरी है, और देखना होगा थर्ड अंपायर को रिव्यू मांगा है बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, पुजारी राइडर्स ने।
चला चला सामना सुरू करा, सामना सुरू करा। रिव्यू अनसक्सेसफुल, रिव्यू वेस्ट हो गया। दिस इज अ फेयर डिलीवरी। रन संख्या 21। स्ट्राइक पे है बल्लेबाज सात्विक। ओ बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, ऑफ ड्राइव किया इस गेंद को, फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव कर दिया। रन संख्या 22। ओ देखना होगा, गेंद देखना होगा, नो बॉल बिफोर लाइन, गेंद वहां पे गिरी है, थोड़े से प्रेशर में आते हुए प्रतीक। ओ अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग वहां पे, अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, एक्सेलेंट फील्डिंग। वीरेंद्र भाटिया, रन संख्या उच्च गई वो 24। वन टू गो, वेगवान गो चेंडू, क्लीन बोल्ड, अनप्लेबल डिलीवरी, फास्ट एंड फ्यूरियस, एंड बैट्समैन नानजी डिपार्ट। देखना होगा कौन किसको एलिमिनेट करेगा, कौन जाएगा क्वालिफायर टू में। ओ देखना होगा, ड्राइव वहां पे, आउट, स्ट्रॉन्ग अपील आउट के लिए, देखना होगा क्या हुआ है वहां पे, दोनों अंपायर्स कंफर्म करेंगे। गेंद ग्राउंड के ऊपर पिचिंग हुई है क्या, डायरेक्ट लगी है बार, जी हां आउट, बल्लेबाज आउट, बॉक्स आउट, विकेट।
मार्क्स, मनी एज, वन रूफ रियलिटी, पल्स हाईटेक हेल्थ केयर इमेजिंग सेंटर, स्कैनटेक, सुधांशु इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, स्वयंभू बेस्ट क्वालिटी कैश्यू और नव भारत मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सभी स्पॉन्सर्स को धन्यवाद, ऐसे ही प्यार बना रहे महावीर प्रीमियर लीग पे, सभी टीम मेंबर्स पे, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के ऊपर। चलो मैच को स्टार्ट करना है, एक रिदम होता है, मोमेंटम होता है, टूटना नहीं चाहिए। फिलहाल दोनों तरफ आग बराबर की लग चुकी है। गेंदबाजी मोर्चे में परिवर्तन होता हुआ, गेंदबाज आते हुए अनुज और सामने है संदीप। गेंद 12 शेष है और देखना होगा कितने रन यहां पे बना पाती है टीम पुजारी राइडर्स। फुल टॉस गेंद सामने खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद वहां पे प्रशांत। बैटिंग पावर प्ले जो चालू है, देखना होगा यहां पे कितने रन बना पाते हैं। ओ अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, बड़े शॉट, हाथ खोलने का मौका बिल्कुल नहीं दे रहे अनुज। एक रन मिलता हुआ टीम के खाते में जुड़ता हुआ 31 रन, 31 कुल मिला के 3 विकेट गिर चुके हैं। सलामी बल्लेबाज आप देखिए, आपने देखे थे गिरीश, उसके बाद सात्विक और उसके साथ विहान आउट हो चुके हैं। अच्छी फील्डिंग वहां पे, एक रन जरूर मिलेगा अमित को, एक रन टीम को मिलेगा। रन संख्या 32, 32 रन। अनुज फिर एक बार तैयार, ओ देखना होगा, नो बॉल इवन स्टंप्स के भी ऊपर से गेंद गई है, नो बॉल, नो प्लस वन, दो रन यहां पे ऐड किए जाएंगे, एक ही, यस वन प्लस प्लस वन, तो दो रन में ऐड किए जाएंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। रन संख्या हो चुकी है वो 34, 34। ओ फिर एक बार दूसरे मोहल्ले में गेंद पर बैठे, ये दूसरी बार हुआ है, एकमात्र खिलाड़ी जो दूसरी मोहल्ले में गेंद करता है अनुज। काटो भरा मुकाबला जरूर है, सभी टेंशन में जरूर है, मैच में क्या होगा, क्या रिजल्ट लगेगा, लेकिन अनुज यहां पे एंटरटेन करते हुए दूसरे मोहल्ले में गेंद कर बैठे दो बार इस टूर्नामेंट में। रन संख्या 35 रन। ओ वेल स्टॉप कम बैक करते हुए अनुज, काफी एनर्जी है और सब एनर्जी बचा के रखी इस मैच के लिए सभी प्लेयर्स ने। 34 रन 35 रन, 36 नाउ। ड्राइव किया प्रशांत, वहां पे थे, बैकअप अच्छा है। रन संख्या 37 हो चुकी है, 37, जहां पे पारी का पांचवा ओवर प्रगति पथ पे। अभी तक अच्छी गेंदबाजी करके रोक के रखा है पिछले मैच, फिर एक बार गेंदबाजी मोर्चे पे निजी दूसरा ओवर, विजय पाटिल काफी अनुभवी गेंदबाज है, पिछले ओवर में 6 रन खर्च के 1 विकेट चटकाया था, वही गेंदबाज गेंदबाजी मोर्चे पे। ओ अच्छी गेंद, आउट, विकेट का सिलसिला जारी है और विकेट मिलता हुआ विजय पाटिल को।
और को सामने खेलने की कोशिश, एलिवेशन ज्यादा मिला, गेंद डायरेक्ट बॉक्स आउट के रूप में, बल्लेबाज आउट हो चुके, नए बल्लेबाज अमय जोशी राउंड विकेट फिरेगा। विजय ड्राइव किया, व्हाट अ फील्डिंग, क्या एफर्ट है, क्या एफर्ट है, लाजवाब लाजवाब, सचमुच काबिले तारीफ, हर एक प्लेयर आ रहा है अप्रिशिएट कर रहा है रोहित के इस फील्डिंग को, व्हाट एफर्ट। अच्छा ड्राइव, देखना होगा वहां पे कितने रन मिलेंगे, कंफर्म कर रहे अंपायर, रुको अंपायर कंफर्म कर रहे, अंपायर कंफर्म कर रहे, कूल डाउन कूल डाउन, हो जाएगा डिसीजन, हो जाएगा अंपायर जरूर डिसीजन देंगे, वहां पे दो रन यहां पे अंपायर का डिसीजन आ चुका है, दो रन वहां पे उन्होंने तीसरे अंपायर के पास जाना चाहेंगे। देखना होगा का क्या डिसीजन आएगा अंपायर के पास, की प्रोलिंग देखते हैं, गेंद कहां पे लगी है, बीच में नेट तो आई है, लेकिन अंपायर अब डिसीजन लेंगे इसके ऊपर। महावीर प्रीमियर लीग का ये दूसरा दिन, आखिरी क्षण इस टूर्नामेंट के कुछ बचे, आखिरी पल कुछ बचे हैं, एलिमिनेटर राउंड यहाँ पे शुरू है, दो टीमों के बीच में यहाँ पे संघर्ष होता हुआ, राजावत रॉयल्स बनाम पुजारी राइडर्स के बीच में, टॉस जीतने के बाद पुजारी राइडर्स की टीम ने निर्णय लिया था हम बल्लेबाजी करेंगे। अब तक स्कोर कार्ड के अंदर अगर देखा जाए तो इस गेंद की पहली की अगर बात करें तो रन कुल मिला के बने थे वो कुल मिला के 38 रन। देखना होगा इस गेंद के ऊपर अंपायर का निर्णय क्या आता है, कितने रन होंगे, एक या दो, वही डिसीजन चल रहा है अंपायर के बीच में। इसके पहले का मुकाबला काफी रोमांचक रहा, वीर मराठा टीम ने जिस तरह से पलटवार किया बल्लेबाजी की, अंडर प्रेशर कैसे खेलना चाहिए ये मुनेश ने दिखाया अपनी टीम में और दर्शकों को भी दिखाया, क्या बल्लेबाजी की, सलामी बल्लेबाज उसके साथ आए थे वो आरुष, काफी जल्दी आउट हो गए, कप्तान आउट हो गए, और कप्तान आउट होने के बाद जिस तरह से भूमिका निभाई, रोल निभाया और अपना 100% देने के बाद अपना खुद का निजी स्कोर 30 रन के ऊपर लेके गए, लेकिन जो पलटवार जो किया राजेश सुवर्णा के ऊपर वो सचमुच काबिले तारीफ था। उस ओवर में कुल मिला के 20 रन वहां पे बनाए बल्लेबाज मुनेश ने, और उसी के कारण आप देख रहे कि एक अच्छी वापसी की वीर मराठा ने, लक्ष्य रखा वो 50 रन का और जिसको पार नहीं कर पाई आमची मुंबई, सोच रही होगी एग्जैक्टली कहां पे गलती हुई है, वो गलती को फिर एक बार दोहराना नहीं चाहेंगे, इसीलिए इस मैच के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से कोई तो एक टीम आएगी बाहर जो उनके साथ दो हाथ करेंगी वो क्वालिफायर टू में। और देखना वो कौन सी टीम रहेगी, राजावत रॉयल्स या पुजारी राइडर्स। पॉइंट टेबल की अगर बात करें तो लीग में जिस तरह से परफॉर्म किया था राजावत रॉयल्स ने, कुल मिला के 8 अंकों की कमाई उन्होंने की थी 5 मैच में, और उसके सामने जो टीम थी सीम अभी जो खेल रहे राजावत रॉयल्स, अच्छा परफॉर्म किया था लीग में, और देखना होगा अब किस तरह से पलटवार करेंगे, किस तरह से रिप्लाई देंगे। लीग में जो मुकाबला आमची मुंबई हारी थी वो वीर मराठा के सामने हारी थी, और वो सिलसिला फिर एक बार जारी होता हुआ क्वालिफायर राउंड में, फिर एक बार उनसे ही उनको हारना पड़ा,
और लगातार छठी जीत वीर मराठे ने दर्ज की इस महावीर प्रीमियर लीग में। तो डिसीजन हो चुका है, अंपायर डिसीजन वहां पे जरूर देंगे। बेरन रिव्यू रिटेन, रिव्यू रिटेन हो चुका है बल्लेबाजी करने वाली टीम का। दो रन यहां पे जरूर ऐड किए जाएंगे। तीन गेंदे शेष है, इसका मतलब है रन संख्या हो चुकी है पूरी। चालीस रन, ओ अच्छी फील्डिंग वहां पे, रनआउट का मौका, क्विक सिंगल कंप्लीट किया वहां पे। जिगर सावला थे, गेंद के ऊपर आए थे, रन संख्या आगे बढ़ती हुई वो 41, 41 रन। संदीप और अमय जोशी के बीच में अच्छी पार्टनरशिप यहां पे बुनती हुई अपनी टीम के लिए। विजय पाटिल फिर एक बार तैयार, सामने है संदीप। ओ प्रेशर में जरूर आए थे, ऑनसाइड में गेंद को प्लेस किया, रनआउट का मौका है और यहां पे अमय को लौटना पड़ेगा। रनआउट के रूप में और एक विकेट मिलता हुआ राजावत रॉयल्स को। कितने श्रीराम के भक्त है जिन्होंने गाना सुना है। गेंदबाजी मोर्चे पे एक फिर एक बार गेंदबाज तैयार, फुल टॉस गेंद, खिलाड़ी मौजूद और यहां पे विकेट मिलेगा जरूर, और एक विकेट।
जिस तरह से रत्नापुर रत्नागिरी का हापुस और यवतमाल का कापुस सुप्रसिद्ध है, उसी तरह से प्रतीक की बल्लेबाजी सुप्रसिद्ध है, कबाल की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अगले गेंद यहां पर एक और स्ट्रेट ड्राइव मिस फील्ड, लेकिन काफी अच्छा टीम वर्क यहां पर, बेहतरीन टीम वर्क, और इस टीम वर्क का फायदा मिलता हुआ डॉट गेंद आती हुई। तीन गेंदे दो रन, और यह बेहतरीन ड्राइव यहां पर देखने को मिली ऑफ स्टंप पर, ओवर पिच डिलीवरी, फ्रंट फुट पर गए, ड्राइव किया, एक रन, कमाल की फील्डिंग वहां पर देखने को मिली। एक्स्ट्रा कवर के रीजन में से एक रन डिस्कवर करते हुए छोर बदलते हुए अब स्ट्राइक पर आएंगे अनुज। पूरा सम्मान दिया इस गेंद पर, पूरी तरह से सम्मान देते हुए ड्राइव किया मिड ऑन के रीजन में डॉट गेंद के लिए, सदी हुई शुरुआत अपने टीम के लिए बिना जोखिम लिए हुए। और यह उल्टा टैप कर दिया गेंद को, गेंद टपाटप दो रन के लिए पहुंचते हुए, दो रन जुड़ते हुए टोटल स्कोर में, और स्कोर पहुंचता हुआ टोटल एक ओवर के बाद पांच रन। वक्त है ब्रेक का और वक्त है म्यूजिक का, कम ऑन डीजे, गाना बजा दीजिए। अगले गेंदबाज संदीप गेंदबाजी करने के लिए आएंगे एक ओवर के बाद, टोटल स्कोर पांच रन। और यह अंदर की तरफ आती हुई गेंद टप्पा गिरने के बाद ऑफ स्पिन होते हुए मिडल स्टंप से लेग स्टंप की तरफ आती हुई टैप किया था, लेकिन यहां पर डॉट गेंद आते हुए प्रतीक सामने एक बार फिर से बैक फुट पंच दिया। काफी मौका था उनके पास, रूम था, और उसका पूरा फायदा उठाते हुए टैप कर दिया दो रनों के लिए, दो रन जुड़ते हुए टोटल स्कोर में। और प्रदीप प्रतीक यहां पर अपने फॉर्म में रंगते हुए एक बार फिर क्लीन हिट, वाओ व्हाट अ हिट ड्राइव। छोटी गेंद, एक और बड़ा मौका यहां पर, वन टप्पा बाहर जाती हुई गेंद, दो रन के लिए स्कोर पहुंचा हुआ 13-13 रन। और यहां पर व्हाइट बॉल आते हुए अंपायर अपने हाथ खोलकर ऐलान करते हुए टाइटैनिक स्टाइल में, वहां पर उनके पास लियोनार्डो के पास हीरोइन थी, आपके पास सिर्फ गेंद है। आगे बढ़े कमाल के हिट, काफी खतरनाक और महंगे। आगे बढ़े एक और हिट यहां पर, अंपायर चेक करते हुए एंड इट्स अ टू, दो रन आते हुए और टोटल स्कोर पहुंचा हुआ दो ओवर के बाद टोटल 20। वक्त है ब्रेक का और वक्त है खुशियों का, कम ऑन डीजे, गाना बजा दीजिए।
इस बड़े मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए। एलिमिनेटर के लिए यह मुकाबला चलता हुआ प्रतीक, टोटल स्कोर अभी उनका इंडिविजुअल 16। गेंदबाज तैयार। ओह व्हाट अ हिट। करते हुए और मजबूर करते हुए फील्डिंग टीम को फील्डिंग में बदलाव करने के लिए। और यहां पर अनुज कमाल की बल्लेबाजी करते हुए, और गेंदबाजी में हमने देखा दो गेंद उन्होंने पूरे मैदान के बाहर डाल दी बॉलिंग करते हुए, लेकिन यहां पर सही ठिकाने पर गेंद डालते हुए चार रन अर्जित करते हुए हर एक इलाके में उनकी अच्छी पकड़। और यहां पर देखिए यह दबाव है फील्डिंग की वजह से, दबाव आता हुआ, दबाव बनता हुआ अनुज और प्रतीक की यह जोड़ी बड़े मुकाबले में बड़ा धमाकेदार प्रदर्शन करती हुई। कबाल की बल्लेबाजी और अभी स्कोर पहुंचा है टोटल 24 के घर पे यह आंकड़ा पहुंचता हुआ। और गेंदबाज की अगर हम बात करेंगे, पीयूष गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, उनके गेंदबाजी एक्शन को देखकर नरेंद्र हिरवानी की याद आ गई, जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यू करते हुए 16 विकेट निकाले थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उसी तरह उसके बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था। तो यहां पर गेंदबाजी करते हुए और एक का टैप, और एक बार फिर से टैप कर दिया, गेंद जाती हुई नारियल के पेड़ पर, नारियल पानी मांगती हुई, दो रन अर्जित करते हुए कमाल का दुआ यहां पर हासिल करते हुए। और ये देखिए पूरी तरह से गेंद उनके पाले पे नहीं थे, तो पूरा सम्मान दिया, जिस तरह नए नए जमाई का ससुराल में पहले दिन स्वागत होता है उसी तरह का सम्मान यहां पर देते हुए। ओ अगेन इट्स अ करण की बात करें तो रन चाहिए 13, करेक्ट, कितनी बॉल, 19 बॉल और 13 रन। आप देखिए इस मैच में जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना पलड़ा भारी करते, पहली गेंद पर कमाल की फील्डिंग, वहां पर जबरदस्त नानजी भाई कमाल की फील्डिंग करते हुए यहां पर शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में। और इसी के साथ यह ओवर समाप्त होता हुआ 18 गेंदों पर 13 रन की जरूरत। वक्त है ब्रेक का और वक्त है म्यूजिक का।
गेंदे और 13 रन, यह मुकाबला चलता हुआ 18 गेंदे और 13 रन। और जब तक प्रतीक हैं तब तक उनके टीम की उम्मीदें काफी ज्यादा। ओ ये वाइट गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर थी, जाने दिया, जांचा, परखा, सोचा, समझा और जाने दिया, और अतिरिक्त रन एक और जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में। एक बार फिर से ग्लांस करना चाहते थे लेग साइड की तरफ और सही तरीके से कनेक्ट नहीं होता हुआ, और इसी के साथ ये वाइट, एक और वाइट। आगे बढ़े और पीछे आएंगे, बिग 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 बड़ा विकेट प्रतीक, बैक टू डी मंडप। यह अच्छा विकेट है यहां पर हासिल करते हुए, कदमों का इस्तेमाल किया था, हिट करना चाहते थे, लेकिन टर्फ क्रिकेट की यही खासियत है, ओपन में आप यही हिट मारते तो 4 या 6 मिलते थे, और यहाँ पर जो है यहाँ पर आउट करा दिए गए। तो नांजी भाई उनकी अच्छी वापसी यहाँ पर देखने को मिलती हुई, बड़ा विकेट प्रतीक के माध्यम से। और यह कुणाल की पहली गेंद पर, और ये यहां पर मौका बन सकता था, कॉल की कमी, लेकिन रनों की कोई कमी नहीं यहां पर, हर एक मौके को भुनाना चाहते हैं, एक एक रन यहां पर चुराते हुए, एक एक रन के साथ मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करते हुए, एक एक कदम आगे बढ़ते हुए पहुंचते हुए 43 रनों की ओर। और ये देखिए कमाल का, कमाल की क्रिकेट, रोहित अपने अनुभव का यहां पर इस्तेमाल करते हुए, देखा ऑफ स्टंप के बाहर थी, हल्के हाथों से बैट का मुंह खोल दिया, गेट को लगने दिया गेंद को बैट पर, जिस तरह से छोटे बच्चे को मां प्यार से चूमती है, निहारती है, उसी तरह से बैट को चूमने दिया गेंद को और दौड़ पड़े थे एक रन के लिए। कमाल की सूझबूझ वाली क्रिकेट यहां पर देखने को मिलती हुई। ये यहां पर ये वाइट आती हुई, एक और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में। और ये टैप, टैप करते हुए 2 रन यहां पर जुड़ते हुए टोटल स्कोर में। मौका था मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, नजाकत के साथ 2 रन हासिल करते हुए, और आंकड़ा पहुंचता हुआ टोटल 37। अब सिर्फ 6 रनों की जरूरत, सिर्फ 6 रन जीतने के लिए और आगे का मुकाबला खेलने के लिए। ओ यह जाने दिया, लेग स्टंप पर गेंद थी और उसको जाने दिया जज करते हुए, सिर्फ 5 रनों की जरूरत, मंजिल और पास आती हुई, जीत की खुशबू यहां पर महसूस करते हुए। और ये जोर से मारा गया था, फॉलो थ्रू में गेंद को लगा था, और यहां पर 1 रन, अब सिर्फ 1 चौके की जरूरत। रोहित यहां पर बल्लेबाजी करते हुए, सिर्फ 4 रनों की जरूरत है। और यहां पर आसानी के साथ 12 गेंदे और 4 रनों की जरूरत है इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए, और उसके बाद क्वालिफायर 2 में आमची मुंबई टीम के साथ कौन सी टीम खेलेगी कुछ पलों के बाद ये ऐलान हो जाएगा। तो बहरहाल 12 गेंदे और 4 रन ये इस मुकाबले का समीकरण है, बड़ा मुकाबला। और महावीर प्रीमियर लीग 24 में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं, और लगातार पिछले 2-3 महीनों की मेहनत के बाद ये अपने परवान चढ़ता हुआ, सिर्फ 12 गेंदे और 4 रन। बारह गेंदों पर 4 रन की जरूरत है, और यहां पर एक अलग से स्ट्रेटेजी बनाते हुए। लेकिन अगर हम बात करेंगे टीम राजावत रॉयल्स की, तो उन्होंने अपने प्लान को बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया। सबसे पहले
पुजारी राइडर्स को 42 रन पर रोका, जो कि एक मजबूत टीम थी और इस खिताब की प्रबल दावेदारों में से एक थी। 42 पर रोकने के बाद अच्छी नपितली शुरुआत देते हुए अपनी टीम को जीत के दहलीज पर, जीत के कगार पर पहुंचाते हुए इनके बैटर राजावत रॉयल्स के बैटर, सिर्फ 4 रनों की दरकार और 12 गेंदे बाकी। और इसके साथ टू डी और ये कुणाल को देखकर लगता है कि ये 2D वाला ही प्लेयर है। 2D, 3D, 4D जितने भी डी हैं सब कुणाल मारते हैं। अरे भाई